प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से की कोविड 19 स्थिति की समीक्षा। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से की बात। देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान युद्ध स्तर पर जारी। अब तक 16 करोड़ 71 लाख से अधिक लोगों को लगाया गया कोविड टीका। तमिलनाडु सरकार ने की राज्य में 10 से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा। और कर्नाटक सरकार ने राज्य में 10 मई से 2 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने अमेरिकी समकक्ष जेवियर बेसेरा से की बात। दोनों नेताओं ने दुनिया को महामारी से निकालने का जताया संकल्प। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कोई कमी नहीं। रक्षा मंत्रालय युद्ध स्तर पर कर रहा है काम। रेलवे और अन्य सरकारी एजेंसियां भी कर रही हैं ऑक्सीजन की आपूर्ति। कोविड महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने आयकर कानून के नियमों में दी छूट। अस्पतालों और नर्सिंग होम को कोविड उपचार के लिए 2 लाख से अधिक राशि नकद प्राप्त करने की दी अनुमति। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 4,01,000 से अधिक मामले सामने आए। 4,187 लोगों की हुई मौत। 3,18,600 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। भारत के लिए विदेशों से जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों का आना जारी। सिंगापुर और इजराइल से आ रहे 3-3 क्रायोजेनिक कंटेनर। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले 15 करोड़ 3 लाख से अधिक हुए। मरने वालों का आंकड़ा 32,83,000 के पार। अब खबरें खेल जगत से। भारत की सीमा बिस्ला ने कुश्ती में महिलाओं की 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल प्रतियोगिता में टोक्यो ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई।